टाइम था नवंबर का है एंड इस नवंबर के टाइम के अंदर बहुत सारे लोग सिर्फ एक चीज़ की बात कर रहे थे, वो बात कर रहे थे पेटीएम की आईपीओ की। एंड 8 नवंबर को जो है इसका जो ओपनिंग हुआ एंड बहुत सारे लोगों ने इसके अंदर अपने अपने पैसे लगाए, चाहे वो बच्चे हो, बूढ़े हो, टीनेजर हो, सबको पता था कि पेटीएम का आईपीओ आ रहा है एंड पेटीएम के आईपीओ के अंदर बहुत प्रॉफिट वो बनाने वाले हैं। पूरा इंटरनेट, सोशल मीडिया, हर कोई सिर्फ इसी एक आईपीओ की बात कर रहा था। रीजन था कि ये देश का सबसे बड़ा आईपीओ था। इसका इशू साइज था 18,300 करोड़। बहुत लोगों ने इसके अंदर पैसे डाले, बहुत बच्चे ने, बूढ़े ने, सबको, बिकॉज इस चीज को मार्केट इस तरीके से किया गया कि हर कोई को लग रहा था कि पेटीएम का आईपीओ जो है उनको प्रॉफिट बना के देगा। एंड टाइम आया 10 नवंबर जब इसको लिस्ट किया गया एंड उस दिन फर्स्ट लिस्टिंग पे इसने जो लॉस किया वो था 27.75%। एंड इससे बहुत सारे लोगों को लॉस हुआ एंड बहुत सारे लोगों के जो बचे हुए पैसे थे सब डूब गए। तो यहाँ से क्वेश्चन अराइज हुआ कि क्या आईपीओ एक्चुअल में प्रॉफिटेबल होता है या नहीं। बेंजामिन ग्राहम अपने बुक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर के अंदर ये बोलते हुए कि हर एक केस के अंदर नो मैटर वो प्रॉफिट हो या लॉस हो, इन्वेस्टर बर्न इन दीज आईपीओस। इनका मेन रीजन ये होता है कि जितने भी आईपीओ लॉन्च किए जाते हैं वो इन्वेस्टर के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग नहीं होते, वो बेसिकली इलीगलाइज लूटिंग होती है बाय कंपनी प्रमोटर एंड इन्वेस्टर्स। और ग्राहम बेल अपने बुक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर के अंदर ये बोलते भी है कि आईपीओ का सिर्फ ये मतलब नहीं होता इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, इसके और मतलब होते हैं। एग्जांपल के लिए इट्स प्रोबेबली ओवरप्राइज्ड, इमेजिनरी प्रॉफिट्स ओनली, इनसाइडर प्राइवेट अपॉर्चुनिटी। तो क्वेश्चन ये अराइज होता है कि हमें आईपीओ के अंदर क्यों इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो बात करते हैं 3 रीजंस की। कॉर्पोरेट सर्कल के अंदर एक बात कही भी जाती है कि लोग पैसा तब रेज नहीं करते हैं जब उनको उसकी नीड होती है, वो तब रेज करते हैं जब उनके पास ऑलरेडी होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि सारे आईपीओ जो है खराब होता है, कुछ आईपीओ अच्छे भी होते हैं जिसके अंदर लोग अपना प्रॉफिट भी बनाते हैं। मेनली ये 3 रीजन है जिसकी वजह से आपको आईपीओ के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए अगर आप करने वाले हो। तो एक एक करके इन सबकी बात करें तो फर्स्ट रीजन है हमारा आईपीओ इज एक्सपेंसिव, आईपीओ क्रिएट विविडनेस बायस, थर्ड है आईपीओ अंडर परफॉर्म। तो फर्स्ट की बात करते हैं आईपीओ इज एक्सपेंसिव। बहुत सारे लोगों को लगता है कि वो आईपीओ के अंदर जो शेयर्स खरीद रहे हैं वो बहुत लोअर प्राइस पे, बट रियलिटी ये रहती है कि आपसे बहुत कम प्राइस के अंदर, मतलब बहुत कम में, इससे पहले बहुत सारे लोगों ने उसके जो शेयर्स है ऑलरेडी बाय कर रखे। जब आप कंपनी को जानते भी हो उससे पहले 3 से 4 राउंड में इनके जो शेयर्स है ऑलरेडी प्राइवेट इन्वेस्टमेंट में जो है लोगों ने बाय कर रखे होते हैं एंड बहुत सारे लोगों ने इसके शेयर्स ऑलरेडी खरीद रखे होते हैं। एंड ये फैक्ट भी है कि जो आईपीओ आते हैं वो उनके फाउंडर्स, वेंचर कैपिटलिस्ट फर्म एंड जो इन्वेस्टर्स हैं उनको प्रॉफिट करने के लिए होता है। एटलीस्ट इतना पैसा तो वो निकाल ले जितना उन्होंने लगाया होता है। एंड यही रीजन होता है कि आईपीओ के जो प्राइस है वो ओवर प्राइस होता है एंड हाईली, आपको मतलब कह सकते हो कि बहुत ज़्यादा प्राइस बढ़ा के जो है आपको दिखाया जाता है। एंड कभी भी जब आप न्यूज़ में ये सुनो कि किसी इन्वेस्टमेंट बैंकर ने ये बोला कि जो आईपीओ है उसका जो प्राइस है वो कम है, तो उस पर हमें बिलीव नहीं करना है, बिकॉज इन इन्वेस्टमेंट बैंकर्स का जो इंसेंटिव्स है वो इसी पे डिपेंड करता है कि वो लोग कितना ज़्यादा प्राइस करके उस आईपीओ को सेल करते हैं। सेकंड आता है आईपीओ क्रिएट विविडनेस बायस। ये समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है कि जो इन्वेस्टमेंट बैंकर है, अंडरराइटर्स हैं जो आईपीओस के, वो बेसिकली सेल्समैन होते हैं। एंड कंप्लीट आईपीओ का जो प्रोसेस है वो इंटेंशनली इतना हाइप किया जाता है मार्केट के अंदर, बिकॉज आईपीओ जो है वंस टाइम होता है किसी कंपनी का, सिर्फ एक ही बार पूरी कंपनी के अंदर किया जाता है। एंड उसके अलावा वो प्रेजेंट करते हैं कि अब वंस इन अ लाइफ टाइम ऑफर है आपके लिए। एंड प्रोमोटर इन्वेस्टमेंट बैंकर्स जो है एक स्टोरी बनाते हैं दैट क्रिएट्स विविड बाय यूजिंग टर्म्स लाइक लिस्टिंग गेन्स, ब्राइट फ्यूचर, लॉन्ग टर्म स्टोरी। एंड वो आपको वो बोलते हैं कि जल्दी से जल्दी आप इसको बाय करो एंड यू मस्ट अवॉइड डेट चार्म बाई डेट विविडनेस। एंड आपको हमेशा क्या करना चाहिए, जो ये विविडनेस आपको दिख रही है इसके बिहाइंड द पिक्चर को देखो एंड समझो कि एक्चुअल में जो वो दिखा रहे हैं क्या वो पॉसिबल है भी या नहीं है। एंड कोई भी स्टॉक इसलिए बाय मत करो कि वो एक आईपीओ है, आप इसीलिए बाय करो बिकॉज वो एक बढ़िया इन्वेस्टमेंट है। थर्ड आता है आईपीओ अंडर परफॉर्म। 2021 के अंदर बहुत सारे आईपीओज आए, बट 15 मैक्सिमम ऐसे आईपीओज निकले जो बहुत ज़्यादा अंडर परफॉर्म किया एंड उनमें बहुत सारा लॉसेस हुआ लोगों को। लोगों को ये लगता है कि आईपीओज को बहुत टाइम तक रखेंगे तो वो अच्छा उनको जो गेन दे पाएगा, तो मोस्ट ऑफ द टाइम ये रियलिटी है कि बहुत टाइम तक रखने के बाद भी वो आपको इतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं देता, बिकॉज वो स्टार्टिंग ही ओवर प्राइस से हुआ था। एंड यही रीजन है कि आईपीओ इज लुक लाइक अ स्कैम, बिकॉज यहाँ पे बहुत सारे लोग मिलके एक ऐसी चीज़ के प्राइस को इतना ज़्यादा बढ़ा के आपको दे रहे हैं कि आप अगर उसको बाई कर भी लेते हो तो वहाँ पे प्रॉफिट गेन करना बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट है। एंड मेनली उन लोगों के लिए जो लोग जो है इसके बारे में बहुत ज़्यादा नहीं जानते या फिर अपने रिसर्च नहीं करते, सिर्फ वो मार्केट के जो भी मार्केट उनको दिखाता है उसको देख के जो किसी भी आईपीओ के अंदर जो इन्वेस्ट कर देते हैं एंड जहाँ से उनको प्रॉब्लम होना स्टार्ट होते हैं। बहुत सारे लोगों का घर
बिक जाता है, जितना भी उनकी सेविंग्स है सारी खत्म हो जाती है सिर्फ एक गलत डिसीजन से, एंड जो बेसिकली मार्केट की हाइप के वजह से वो लोग लेते हैं। बट स्टिल ऐसा नहीं है कि आईपीओ सारे खराब ही होते हैं, कुछ ऐसे अच्छे आईपीओज भी होते हैं जहाँ पे लोग बहुत सारा प्रॉफिट बनाते हैं। एग्जांपल के लिए नाइका को आप ले सकते हो, उसने बहुत सारा अच्छा प्रॉफिट बना के दिया, बट ऐसे आईपीओज बहुत कम होते हैं। एंड अगर आप उसके किसी भी आईपीओज के अंदर प्रॉफिट बनाना चाहते हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अपनी खुद की रिसर्च करनी चाहिए, एंड मार्केट में चल रहा है उस पर बिलीव नहीं करके खुद की रिसर्च एंड खुद के ऊपर बिलीव रखो, तभी जो है किसी आईपीओज के अंदर आप अपना प्रॉफिट जो है बना सकते हो। सो ये थी कंप्लीट स्टोरी आईपीओज के बारे में।